प्रिय किसान भाइयों और छात्रों, ये वीडियो आप किसान भाइयों के लिए और ये हमारे प्रिय छात्रों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। एक कीड़ा लगता है मैंगो मिलीबग, तो ये आम के पेड़ पर तो लगता ही है, साथ ही साथ ये सब्जियों की फसलों पर भी लगता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, बैंगन पर, भिंडी पर और कुछ आर्नामेंटल पौधों जैसे गुड़हल पर। ये बहुत तेज़ी से लगता है और आजकल इसमें खूब लग रहा है और कुछ किसान इससे परेशान भी हैं। तो छात्रों, ये कीड़ा ड्रोसिचा मैंजीफेरी है और ये पूरे एशिया में आम की फसल पर लगता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, निम्फ और एडल्ट फीमेल, जो पौधे के पत्तियों पर, पुष्पक्रम पर, मुलायम टहनियों पर और यहाँ तक कि पेडेंकल और पेडिसिल दोनों पर ही ये इंसेक्ट्स लगते हैं और प्लांट सैप को सक करते हैं, चूसते हैं। इसकी वजह से जब इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम प्रभावित होता है और जब ये पेडेंकल पर प्रभाव डालते हैं, उनसे जो रस चूसते हैं, तो इन्फ्लोरोसेंस सूखने लगता है, फल नहीं बनता है और यदि बनता है तो फल नीचे गिर जाते हैं। इस कीड़े का अंडा और तने के चारों ओर भूमि में फीमेल्स के द्वारा दिया जाता है। ये इनकी हैचिंग दिसंबर से जनवरी तक की होती है, यानी ये अंडे से निम्फ में निकलते हैं और ये भूमि के कंडीशन पर ज़्यादा निर्भर करता है। जो फर्स्ट इंस्टार निम्फ होता है वो जनवरी के तीसरे सप्ताह से मार्च तक दिखाई पड़ता है और थर्ड इंस्टार फीमेल मार्च से अप्रैल के मध्य तक देखी जाती हैं। गर्भवती मादा कीट चलना शुरू कर देती है और अप्रैल से मई तक ये चलती है। ये सीधे स्टेम से होकर के पेड़ों पर चढ़ती है और कभी कभी ये इन्फ्लोरोसेंस के साथ टूट करके नीचे गिर जाती है और जमीन में तने के चारों ओर अपने अंडे देती है। जैसा कि आपको भी मैंने बताया, फीमेल माइग्रेट करती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह मुख्य तने से ऊपर की ओर चढ़ती हैं, लेकिन बीच में वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और ये गिरती इस वजह से है कि जब संक्रमित पैनिकल, आप पैनिकल नहीं समझेंगे, पुष्पक्रम समझिए, यानी आम के जिस पर फल लगता है उसके डंठलों पर जब इनका संक्रमण होता है और उनका ये जूस चूस लेते हैं तो सूखने लगता है और टूट के डंठल गिरने लगता है, उसके साथ ये फीमेल भी ज़मीन पर गिर जाती हैं और तने के चारों तरफ अंडे देती हैं। ये अंडे ज़मीन में काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं, उनमें भी विकास होता रहता है, लेकिन ये हैच बाद में करते हैं। ये मई से लेकर दिसंबर तक भूमि में पड़े रहते हैं। छात्रों, दिसंबर के बाद जब ये अंडे हैच करते हैं तो इनसे पिंक, गुलाबी, भूरे रंग के निम्फ निकलते हैं जो रेंग के तने पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये किसान भाइयों और छात्रों, इस कीड़े के निम्फ और फीमेल एडल्ट ही
पौधों से जूस को सक करती हैं, चूसती हैं, जिसमें लीव्स, टेंडर ट्विग्स, इनफ्लोरोसेंस, इन सब पर ये जूस चूसती हैं, जिनके कारण जिस भाग पर ये लगते हैं उसमें विल्टिंग होने लगती है, वो भाग सूख जाता है, नीचे गिर जाता है और जिससे काफ़ी हानि होती है। छात्रों, इसके अलावा ये कीड़ा आल्सो सिक्रेट्स हनी ड्यू, एक लसला सा ये पदार्थ स्रावित करता है जो पेड़ पर फैलता है, इन्फेक्टेड पोर्शन पर जहाँ जहाँ ये लगते हैं, और उस पर दूसरे फंगस उग आते हैं जो काले रंग के होते हैं, ये काला रंग चमकीला होता है और चमकीला काले रंग का दिखाई पड़ता है और चिपचिपा होता है। इसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, 400 गेज का पॉलीथीन का टुकड़ा लेंगे ट्रंक की चौड़ाई के हिसाब से, जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर होगी यानी 1 फुट होगी, और 30 ट्री ट्रंक के चारों तरफ 1 फुट के ऊपर इस पॉलीथीन को कस के बांध दीजिए, लपेट दीजिए, और इसके निचले किनारे पर आप ग्रीस पोत दें, लगा दें, और ये काम आपको दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में करना चाहिए, क्योंकि इसी समय ये अंडे ज़मीन में हैच करते हैं और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ते हैं। जब ये ग्रीसी बैंड लगा होगा तो ये कीड़े आपके पेड़ के ऊपरी भाग पर नहीं पहुंचेंगे, जिससे कि ये आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा तने के चारों तरफ थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाएं, ये मिट्टी 6 से 8 इंच तक की चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद इसमें 1.5% का क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण 250 ग्राम प्रति वृक्ष की दर से दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में इस मिट्टी में या इस मिट्टी के ऊपर छिड़क दें, डस्टिंग कर दें, जिससे ये इसके निम्फ जो ज़मीन से ऊपर चढ़ेंगे वो मर जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। किसान भाइयों, यदि यह काम आप दिसंबर में ना कर पाएँ तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं, वो भी लाभ करेगा। इसके बाद मैं आपको इन दो दवाओं के नाम बता रहा हूँ, कार्बोसल्फोन का 0.05%, जो 25 EC का होगा, उसका 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव करें। दूसरी दवा डाईमेथियोएट है, ये 0.06% का, 30 EC, इसका 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल लें, और जनवरी से मार्च तक आवश्यकता अनुसार आप इसका छिड़काव करें। इस प्रकार आप मैंगो मिली बग की समस्या से दूर हो जाएंगे, ये समस्या नहीं रहेगी आपकी और आपकी क्रॉप अच्छी होगी। आप यह कार्य अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने वेजिटेबल्स के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बताए गए उपाय का प्रयोग करके अपने फसल को बचा सकेंगे, अन्य किसान भाइयों को भी बताएंगे जिससे वो लाभ उठाएं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि मैं आपको फिर से कुछ बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।